दोस्तों, अगर आप जियो का सिम यूज करते हैं तो दोस्तों आप लोगों के लिए आज इस वीडियो में मैं आपको एक एक ऐसे ऐसे रिचार्ज बताऊंगा, दिखाऊंगा जिसे दोस्तों आप करके काफ़ी अपना पैसा बचा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज जियो के उपभोक्ताओं के लिए जो सबसे बड़ी अपडेट, सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, उसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। 50 रुपये के रिचार्ज से लेके दोस्तों 5,000 10,000 रुपये तक के भी रिचार्ज अवेलेबल हैं, मगर दोस्तों आपके लिए बेस्ट कौन सा रहेगा ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये पॉपुलर प्लान है। पॉपुलर प्लान में आपको ओनली 230 रुपये पर मंथ देना होता है और आपको 365 दिनों की वैलिडिटी मिलती है, और इसका कुल टोटल चार्ज पड़ता है 2,999 रुपये। इसमें दोस्तों आपको जियो सिनेमा, जियो टीवी और यहाँ पे जियो क्लाउड भी आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे टोटल डाटा आपको मिलता है 912.5 GB और 2.5 GB पर डे का डाटा मिलेगा। अनलिमिटेड वॉइस होगी, 100 SMS पर डे आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अब आते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं ये थोड़े महंगे प्लान हैं। अब OTT प्लस 18 GB एक्स्ट्रा दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो ये थोड़ा सा प्लान महंगा पड़ रहा है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अगर सस्ते प्लान के तरफ आया जाए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 398 रुपये में 28 दिन का है, 13 OTT एप्स और 6 GB एक्स्ट्रा। तो ये भी अगर आम इंसान को देखा जाए तो उनके हिसाब से ये थोड़ा महंगा पड़ता है। आइए सबसे कम वाले प्लान में आते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों सबसे कम वाला है 149 रुपये में 20 दिन, ये भी हमारी समझ से काफ़ी महंगा पड़ रहा है। तो दोस्तों सस्ता क्या पड़ेगा, तो सस्ता भी मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊंगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 296 रुपये का प्लान है। अब दोस्तों हम आप लोगों को जियो, आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो उसके लिए सस्ता प्लान तो हम यहाँ पर आपको बताएँगे। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को बहुत सारे प्लान देखने को मिलते हैं, लेकिन दोस्तों हम अभी आप लोगों को जियो फ़ोन का सबसे पहले बताते चलें। जियो फ़ोन का जो है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 186 रुपये में 28 दिन का है, 895 रुपये का 336 दिन का है, और यहाँ पर 91 रुपये में 28 दिन का आपको यहाँ पे प्लान मिल जाता है, 75 रुपये में 23 दिनों की वैलिडिटी मिल जाती है, 10 MB लगभग आपको पर डे मिलेगा, लगभग 2.33 GB एक महीने में इस पर में मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए वैल्यू वाले पैक में आते हैं। वैल्यू वाला पैक आप लोगों के लिए सुपर से भी ऊपर रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर आपके घर में ब्रॉडबैंड लगा है, इंटरनेट लगा है, इंटरनेट की या आपके पास का यूज नहीं है, सिर्फ आउटगोइंग और इनकमिंग चाहिए, तो दोस्तों मेरी समझ से ये वाला प्लान आपके लिए सुपर से भी ऊपर रहेगा। 395 रुपये में 84 दिन, अर्थात आपको 3 महीने का प्लान मिलता है, और इसमें दोस्तों 6 GB डाटा भी मिलता है और आपको 3 एप्लीकेशन भी यहाँ पर मिल जाते हैं, ऐप का सब्सक्रिप्शन भी यहाँ पर ये देखो मिल जाता है दोस्तों। दोस्तों वहीं पर 155 रुपये में 28 दिन, ये तो ये नहीं सही है यार, ठीक है। या तो आप करा लो ये वाला 1,559 रुपये में आपका 336 दिनों का है ये प्लान, ठीक है। तो ये लगभग हो गया आपका लगभग आपका ये सही पड़ेगा आपका 100 कुछ रुपए आपके पर मंथ के आपके इसका पड़ने वाला है। तो ये मेरे लिए, मैं समझता हूँ ये वाला सबसे बढ़िया है या ये वाला बढ़िया है। तो वैल्यू पैक अगर आप कराते हैं तो आपका आउटगोइंग इनकमिंग रहेगा, सिम भी चालू रहेगा, कॉल भी आएगी, कॉल भी अनलिमिटेड आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रही अपडेट, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अगली वीडियो में मैं कवर करूंगा। वीडियो लगभग 3 मिनट से ऊपर की हो चुकी है। यहाँ पर ई सिम भी आप यहाँ निकलवा सकते हैं, ठीक है। ये HX ई सिम कंपेबिलिटी रिक्वेस्ट जियो सिम एक्टिवेट जियो सिम, ठीक है। तो यहाँ से आप गेट ए न्यू जियो सिम पर आप यहाँ पे क्लिक करके अपना नाम, अपना जो मोबाइल नंबर है उसे डाल के जनरेट OTP कर लो आप, आपको कंपनी की तरफ से कुछ देर में कॉल आ सकता है। तो दोस्तों ये रहा जियो ऐप के माध्यम से हमने इसके तमाम सारे रिचार्ज, तमाम सारे बेनिफिट के बारे में जिक्र किया, लेकिन उतना बेनिफिट के बारे में कवर नहीं किया मैंने, तो रिचार्ज के बारे में ही कवर किया है। अगली वीडियो आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों को और भी विस्तृत तरीके से बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।